हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू यूजीसी नेट मेंटर। आई होप यू आर डूइंग वेल गाइस। अगर आप यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन कर रहे हो अपकमिंग सेशन के लिए, तो आप हमारी एंड्रॉइड ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं अपने मोबाइल फोन में। यहां पे आपको कम्प्लीटली एग्जाम टारगेटेड क्रैश कोर्स अवेलेबल करवाया जा रहा है फॉर पेपर वन। कॉमर्स एंड मैनेजमेंट जल्दी ही अवेलेबल हो जाएगा। यहाँ पे आपको यूनिट वाइज कम्प्लीटली स्ट्रक्चर्ड वे में वीडियो लेक्चर्स अवेलेबल करवाए जा रहे हैं, प्लस आपको मॉक टेस्ट अवेलेबल हो जाएंगे यूनिट वाइज, प्लस पीडीएफ स्टडी मटेरियल अवेलेबल हो जाएगा। तो एक सिंगल प्लेस पर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। इसके अलावा जो कंटेंट है वो बाइलिंगुअल है, इंग्लिश मीडियम हिंदी मीडियम दोनों ही सब्जेक्ट के जो बच्चे हैं वो इस ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। जैसे आप इस ऐप को इंस्टॉल करेंगे, आपको होम पेज पे कुछ डेमो लेक्चर्स भी मिल जाएंगे। 4 से 5 डेमो लेक्चर्स अवेलेबल है, आप इनको अटेंड कीजिए। वहाँ से आपको आइडिया लग जाएगा किस तरीके से स्टडी यहाँ पे करवाई जा रही है। अगर आप सीरियस हैं, एक सिंगल अटेम्प्ट में इस एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, तो इस ये ऐप आपके लिए ही बनी है। इसका जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में पिन कर दूंगा, एक बार जाकर इंस्टॉल कर लीजिए। गाइस एक बहुत अच्छी न्यूज़ आ रही है यूजीसी की तरफ से कि आपके जो जेआरएफ लेटर की वैलिडिटी है उसको 1 साल एक्सटेंड किया जाएगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा हुआ है, दैट इज यूजीसी ने उन सभी यूजीसी नेट योग्य उम्मीदवारों के लिए जेआरएफ अवार्ड लेटर की वैधता अवधि को 1 वर्ष तक बढ़ाने का निर्णय लिया है। जिनकी प्रवेश प्रक्रिया मतलब फर्दर वो आगे एडमिशन नहीं ले पाए थे कोविड-19 की वजह से, और उनका जो जेआरएफ है वो बेकार हो जाएगा, तो इस वजह से उनका जो वैलिडिटी पीरियड है वो +1 ईयर आपके एक्सटेंड कर दी जाएगी, ऐसा यूजीसी ने बोला है। और इसका ऑफिशियल नोटिफिकेशन आज या कल में आ जाएगा। ये जो न्यूज है ये हमें पता चली ट्विटर हैंडल से, जो कि जगदेश कुमार जी जो कि इस टाइम पर यूजीसी के चेयरमैन है, इन्होंने ट्वीट किया कि यूजीसी हैज डिसाइडेड टू एक्सटेंड द वैलिडिटी पीरियड ऑफ जेआरएफ अवार्ड लेटर अप टू 1 ईयर, 1 साल एक्सटेंड कर दिया जाएगा, और बियॉन्ड द 3 ईयर पीरियड मतलब अभी 3 साल रहता है तो 1 साल आपको और बढ़ा के मतलब 4 साल आपको कर दिया जाएगा। वो इस वजह से किया गया है बिकॉज कोविड-19 की वजह से बच्चे काफी सारे अफेक्ट हुए थे और वो एडमिशन नहीं ले पाए थे टाइम से, तो उनका जो रिसर्च का अमाउंट मिलता है उनको करने का स्कॉलरशिप मिलती है, जिसकी वजह से वो नहीं ले पाएंगे, प्रॉब्लम हो जाएगी। इस वजह से जेआरएफ लेटर को जेआरएफ का जो टाइम पीरियड है उसको 1 ईयर से एक्सटेंड करने की बात की गई है। साफ साफ लिखा हुआ है द नोटिफिकेशन इज बीइंग इशूड, नोटिफिकेशन जल्दी ही इशू कर दिया जाएगा। और ये जो न्यूज है ये ऑफिशियल हैंडल है जगदेश कुमार जी का, जो कि चेयरमैन है यूजीसी के। सो गाइस ये बहुत अच्छी न्यूज है आप लोगों के लिए, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना सभी फ्रेंड्स के साथ। और यहाँ पर यूजीसी नेट मेंटर की आप ऐप इंस्टॉल कर सकते हैं, इसका लिंक आपको अवेलेबल हो जाएगा। सो गाइस कोई डाउट है, कुछ पूछना है आपको, अगर आपको एज लिमिट नहीं पता जेआरएफ की, आपको नहीं पता कितने अटेम्प्ट वगैरह देने होते, तो आप कमेंट कर देना, वहां पर रिप्लाई करके मैं आपकी हेल्प कर दूंगा। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप वॉचिंग यूजीसी नेट मेंटर। थैंक यू सो मच।